तो क्या तुम्हें क्या लगा हम वो सरप्राइज देंगे जो तुमने लाया है? बड़ा झूठ। गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू अनदर न्यू ब्लॉग। दिन की शुरुआत हो चुकी है और अभी बज रहे हैं 8:45 और आज एक्चुअली मैं वापस आ चुका हूँ। मैं जाने वाला था कॉलेज, लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि मेरा एक रिसर्च चल रहा है, लेकिन मैं नहीं गया क्योंकि बसेस बहुत कम मिलती हैं। यूजुअली मुझे डैड ड्रॉप कर देते हैं कॉलेज में, लेकिन वो भी गए हैं थोड़ा सा घूमने के लिए मम के साथ, तो उसकी वजह से मैं बस के लिए थोड़ा रुका और फिर नहीं मिली बस। के मिलती तो है लेकिन उसमें एक्सट्रीम लेवल की भीड़ होती है क्योंकि पुणे है एक मेट्रोपॉलिटन सिटी जो कि जिसमें भर भर के लोग रहते हैं, स्पेशली इस एरिया में जो कि पुणे का कोर एरिया है। तो इसकी वजह से कैंसिल कर दिया। बेसिकली बताता हूँ मैं आपको रिसर्च क्या है। बेसिकली सिटोफिलस पे मेरा रिसर्च चल रहा है, सिटोफिलस और इजी। अभी वो इन्फॉर्मेशन जब तक रिसर्च हो नहीं जाता कंप्लीट तब तक कॉन्फिडेंशियली रहती है, मतलब एटलीस्ट मैं सोशल प्लेटफॉर्म से वो डाल नहीं सकता। तो इसे होने में ऑलमोस्ट 20-25 दिन लग जाएंगे और मतलब मार्च एंड तक मेरा हो जाएगा, आई होप हो जाएगा। तो जब वो हो जाएगा तो आपको बता दूंगा। फिलहाल मैंने एक कल्चर सेट किया हुआ है सिटोफिलस का, जो कि मतलब बेसिकली उनको कुछ खाने पीने को देना है सिटोफिलस को, और वो तो आपको पता होगा सिटोफिलस उसका साइंटिफिक नेम है, वो कीड़ा आपको पता होगा। लेकिन उनको खाने पीने को देना, अच्छे एनवायरनमेंट उनको प्रोवाइड करनी है ताकि वो अच्छी तरीके से ग्रो हो सके और फिर हम उस पर उन पर एक्सपेरिमेंट्स कर सके। तो बेसिकली ऐसा है। तो अभी तो ये थी दिन की शुरुआत। अभी दिन में आगे बहुत सारे काम पड़े हैं, मतलब एडिटिंग का काम करना है, फ़ोन का कुछ मेरा रिलेटेड कुछ काम है और वो भी करना है, जर्नल्स कंप्लीट करने हैं, और जो मैं रिसर्च कर रहा हूँ उसका एक मुझे थीसिस तैयार करना है। तो बेसिकली बहुत सारे काम है और इन सारे कामों को करते करते आज की रात तक आराम से वक्त चला जाएगा। शुरुआत करते हैं जर्नल कंप्लीशन से। Many hours later. So, अभी कंटिन्यूस में काम कर ही रहा हूँ और अभी बज रहे हैं ऑलमोस्ट 11 और अभी लिख लिख के बहुत थक चुका हूँ। असाइनमेंट एक कंप्लीट कर दी, थोड़ा सा प्रोजेक्ट वर्क का काम जो मुझे लिखना था वो कंप्लीट हो चुका है और जर्नल में ये लिख के कंप्लीट हो चुका है। तो ये तीन काम हो गए, अब थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और ये लाया था मैंने आते हुए वो खाएंगे। One eternity later. चलिए गाइस, तो फाइनली निकल चुके हैं थोड़ा ड्राइव के लिए, थोड़ी कार घुमाएंगे, थोड़ा हम घूमेंगे और फिर जाएंगे घर। आज तो मेरा कुछ वॉक नहीं कुछ नहीं हुआ, वर्कआउट भी नहीं हुआ क्योंकि बिजी था आज लिखने में जर्नल। सुबह से वही काम चल रहा है, अभी हम थोड़ा सा बातें वगैरह करेंगे। एक्चुअली गाइस, वॉक करना ये करना तो एक बहाना है, मतलब हमको तो एक साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करने के लिए मिल जाता है क्योंकि अगर हम घर बैठे कुछ ना कुछ तो काम निकल जाता है ना, और तो होता ही रहता है। एक्चुअली क्या होता था, अभी मैं एक रिसेंटली बुक पढ़ रहा था फैमिली मेडिसिन से रिलेटेड, तो वो मैं मॉम डैड को बताता था कि उसमें क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, और मॉम डैड भी किताबें पढ़ते हैं जो कि वो मुझे बताते हैं इस समय में रात में। तो मतलब थोड़ा वो डिस्कशन हो जाता था कि देखो तीनों अलग अलग बुक्स पढ़ते हैं और वो अपना नॉलेज एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, मतलब तीनों को इतनी सारे बुक्स का नॉलेज हो जाता है, हो जाता है, और वो बातें अच्छी लगती है। हाँ, है ना, मतलब नॉलेजेबल भी होती है, स्पिरिचुअल होती है। तो मतलब किसी ने पूछा पढ़ी है तो मतलब पढ़ी तो नहीं लेकिन सुनी है हम एक दूसरे का ऑडियो बुक। मेरे कॉलेज का ही इतना सिलेबस है कि वो उससे मेरा बाकी टाइम नहीं हो रहा मुझे, क्योंकि एडिटिंग भी होता है वो भी होता है। तो जब लेकिन बाकी थोड़ा जब मुझे एक्स्ट्रा वक्त मिलेगा ना तब मैं ये करूँगा, तब मैं भी करूँगा, नहीं तो अभी मेरा इतना नहीं हो पाता, थोड़ा थोड़ा हो जाता है। यहाँ पर लोग ऐसे डॉग घुमाने के लिए लाते हैं ना, तो मुझे भी बहुत मन करता है कि डॉग लाया जाए एक आध। हाँ वो तो है अक्षु, लेकिन घर में कोई तो चाहिए उसके लिए। हम तीनों भी बाहर रहते हैं, हम उसको लेके जा सकते हैं कार में, लेकिन घर में क्या करेंगे, उसको कौन देखभाल करेगा उसकी? वो तो है, हम तो दिन भर नहीं होते। हाँ, हाँ। आने के बाद देख सकते हैं, लेकिन वो है हमारी फैमिली तो है छोटी सी, तीन ही लोग हैं और तीनों मतलब कई बार बाहर होते हैं एक साथ दिन भर, तो उसकी वजह से है ना, मतलब ऐसे नहीं ट्रैवल के लिए नहीं, काम के लिए, मैं तो कॉलेज के लिए मॉम डैड का काम होता है तो उसकी वजह से। ट्रैवल के वक्त तो जैसे कि मॉम ने कहा कि हम ले जा सकते हैं उसको कार में, उसकी कोई दिक्कत है नहीं, वैसे भी वो उसको हम एज अ फैमिली मेम्बर ही कंसिडर करेंगे ना। लेकिन काम के यहाँ पर तो
थोड़ा सा मुश्किल होता है। हमने गाइस बर्ड्स भी रखे थे पेट के तौर पर, लेकिन वो फिर उसका वही होने लगा कि हमको टाइम नहीं मिलता था उसको देने के लिए। देखिए हम क्या करते थे उनको मैक्सिमम ऐसा बाहर रख हॉल में, हॉल है ना, और वो भी हैंड टेम थे ना, तो हम हमारे ऐसे बॉडी पे वो बैठते, कंधे पे वगैरह बैठते थे वो, केज में सिर्फ सोने के लिए रखते सोने के लिए। अच्छा लगता था। अक्षु का बर्थडे स्टार्ट किया है हमने, तो अक्षु मैंने एक सरप्राइज लाया है तुम्हारे, वो मैं देना था। रूप्स एक ही मिनट, ये कैमरा पकड़ी होल्ड कीजिए, अक्षु को सरप्राइज देती कहा गया बर्थडे स्टार्ट किया तो पहला सरप्राइज। तो सरप्राइज यही था कि तुम घर में भूल गए थे, वो मैंने ध्यान में रख के लाया। क्या सरप्राइज, ऐसा नहीं सरप्राइज, कुछ भी हो सकता। हाँ कुछ भी हो, घर में भूल गया था ना, तो अभी इधर लाया तो सरप्राइज हो गया। पसंद आओ ऐसे बहुत सारे मिलेंगे तुझे। फिर इसको क्या मतलब हुआ? एक्चुअली गाइस सरप्राइज तो यही है, ये अक्षु के लिए मैंने ऑर्डर किया है आइसक्रीम, उसके मतलब उसको जो पसंद है वो, उसको मालूम नहीं अभी वो गया है कार में, विद इन 13 मिनट्स ये आ जाएगा। मुझे लगता है उसको जो पसंद नहीं आया तो इसलिए वो थोड़ा उदास हो गया है। तो अब देखेंगे हमारा रियल सरप्राइज आने के बाद उसकी रिएक्शन। मुझे ये अच्छा नहीं लगा हमने उसके साथ ऐसा किया, बट अक्षु वो थोड़ी ग्लास नीचे करो ना, वहां से कोई तो आने वाला है अभी। हाँ और कुछ तो वो क्या होगा मालूम नहीं। हाँ ये लो, ये क्या है देखो, ये तो कुछ ठंडा है। अनबॉक्सिंग करके देखो ना, देखो क्या है, तुम्हारा सरप्राइज है वो। पहले वाला झूठा था, ये सच्चा है। अरे ये क्या मॉम, ये तो मेरा सबसे फेवरेट है। तो क्या तुम्हें क्या लगा हम वो सरप्राइज देंगे जो तुमने लाया है? बड़ा झूठ। ये चेहरे की खुशी पाने के लिए वो झूठ तो कुछ भी नहीं था। लेकिन ऐसे इतना बड़ा मतलब कब प्लान किया तुमने? अब तो मैं 21 डेज झूठ पे झूठ बोलने वाली हूँ। तो ऑर्डर किया पहला झूठ बाद में सच जो है। हाँ ऑर्डर किया, मुझे पता भी नहीं कब ऑर्डर किया। अब ये सरप्राइज क्या रहेगा तुमको पता के सब किया? फोन में नहीं देखा, कुछ नहीं देखा, कब किया ऑर्डर? किया अभी 15 मिनट्स पहले किया था। तो फिर अच्छा लगा? अब तो घर जा, ऑब्वियसली अच्छा लगा, अब तो घर जाना पड़ेगा फिर। तो क्या करेंगे, चलो। और आज के स्टेप्स ये खाने के बाद। ठीक है चलो, तो गाइस आज के ब्लॉग को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको पसंद आया तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को लाइक कीजिए। नेक्स्ट वाले ब्लॉग में मिलते हैं, बाय 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 गाइस।